भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब ने सुना है हम सब ने सुना है जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा, हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए, ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है।
हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए, 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है, वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। साथियों, भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा दिलों में भी बसी हुई है। हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई, इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से वहां अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। यूपी और बिहार में कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा एनडीए की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में लगातार 2 टर्म से भाजपा की सरकार है। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है वहां की जनता
लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है और दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत कैसी है। पिछली बार कब कांग्रेस की किसी सरकार की वापसी हुई है, यानी जो सरकार में थे कितने साल पहले वो दोबारा आए थे, करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लौटी थी, बाकी एक भी नहीं लौटी। उसके बाद भी जितने चुनाव हुए लोगों ने कहीं भी कांग्रेस को सेकंड टर्म नहीं दिया है। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी, 50-50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया है। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। साथियों, कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जलबिन मछली जैसी हो जाती है, इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5-star लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी पानी मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित पिछड़े आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का परिवार दलितों पिछड़ों आदिवासियों इनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। इसलिए आज जब दलित पिछड़े आदिवासी शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं तो इनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। हरियाणा भी इन्होंने दलितों को ओबीसी को भागीदारी देने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को भी अपमानित किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने तो
डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी। हरियाणा भी वो यही करने जा रही थी। साथियों, कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है, इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए, हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। आज हरियाणा ने कांग्रेस को दो टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। साथियों, बीते कुछ समय से